दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे रिकवरी रेट ने लोगों को राहत तो दी है, लेकिन अब एक सर्वे ने चिंता बढ़ा दी है। सर्वे के मुताबिक राजधानी में हर चौथे व्यक्ति पर वायरस का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि सर्वे में अच्छी बात यह है कि राजधानी के 23.48% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी पाए गए हैं, जिनका मतलब है कि उनके शरीर में कोरोना से लड़ने की क्षमता विकसित हुई है। दरअसल मंगलवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली में कराए गए सीरो सर्वे का रिजल्ट जारी किया, जिसमें कई बातें सामने आई हैं। सर्वे की माने तो दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, तो यहां करीब 47 लाख लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आए हुए हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें ज्यादातर लोगों में संक्रमण के लक्षण नहीं दिखे। 27 जून से 10 जुलाई तक चले सीरो सर्वे में सभी 11 जिलों से 21,387 सैंपल लिए गए थे। स्टडी में ये भी सामने आया है कि लॉकडाउन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन समेत सरकार के कई फैसलों से दिल्ली में संक्रमण को काबू करने में मदद मिली है। देश में कोरोना के हालात को लेकर मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीरो सर्वे के रिजल्ट का भी जिक्र किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीरो सर्वे के हवाले से बताया कि दिल्ली के 23.48% लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं, मतलब इनके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है, लेकिन 77% जनता हाई रिस्क पर है। मंत्रालय ने एक ग्राफ की मदद से बताया कि देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, एक्टिव मामलों की संख्या में कमी आ रही है और वायरस से मरने वालों के आंकड़ों में भी कमी आई है। साथ ही कहा कि 19 राज्य प्रति 10 लाख आबादी पर रोज 140 से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट में कमी आने के लिए बड़े स्तर और बड़ी संख्या में टेस्टिंग जरूरी भी है। इसके अलावा मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई जैसे दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद अहम है। दुनिया भर में कहर ढा रहे कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर सोमवार को बड़ी खबर आई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर जो वैक्सीन डेवलप कर रही है, उसके शुरुआती नतीजे सफल रहे हैं। इसका ऐलान करते हुए मशहूर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैंसेट के एडिटर ने बताया कि वैक्सीन का मानव ट्रायल असरदार रहा है। 1,077 लोगों को दिए गए वैक्सीन के नतीजे पूरी तरह से सुरक्षित रहे हैं। लोगों में वैक्सीन की वजह से कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी बनी और वाइट सेल भी बने। आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने अभी से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाए जा रहे टीके की 10 करोड़ खुराक के लिए कंपनी से करार कर लिया है। फिलहाल दुनिया भर में WHO की निगरानी में 140 वैक्सीन डेवलप हो रहे हैं, जो कि ह्यूमन ट्रायल के स्टेज में हैं। चाइनीज कंपनी सिनोवैक बायोटेक ब्राजील में परीक्षण के तीसरे दौर में है, तो जर्मन कंपनी बिनोटेक वहाँ फाइजर के साथ मिलकर वैक्सीन विकसित करने के एडवांस स्टेज में है। भारत में भी 2 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के स्टेज में हैं। कोरोना महामारी से त्रस्त दुनिया के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छी खबर आई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन से लोग चमत्कार की उम्मीद करने लगे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले और दूसरे फेज के ट्रायल में इसने बेहतरीन नतीजे दिए हैं। दुनिया के कई हिस्से में इसके तीसरे फेज का ट्रायल भी चल रहा है। हालांकि इन सबसे अहम ये है कि इस वैक्सीन का भारत से अहम रिश्ता है। क्या है वो रिश्ता, क्या है ये वैक्सीन और कब तक आम लोगों तक इसकी पहुंच होगी, जानते हैं सब कुछ। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन क्यों है खास? वैक्सीन से एंटीबॉडीज भी बनी और इम्यून सिस्टम भी मजबूत हुआ। बेहद मामूली साइड इफेक्ट दिखा, पैरासिटामोल जैसी दवा से हुआ ठीक। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन में बूस्टर डोज भी है, जिससे एंटीबॉडी ज्यादा बेहतर हुआ। द लैंसेट मेडिकल जर्नल ने इसे चमत्कार बताया। टी सेल्स भी जनरेट हुए। अब तक क्या हुआ? एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ मिलकर इसे तैयार कर रहा है ऑक्सफोर्ड। ब्रिटेन में 23 अप्रैल से 21 मई तक 1,107 लोगों पर हुआ ट्रायल। 18 से 55 साल की उम्र के लोगों पर ही अब तक हुआ ट्रायल। थर्ड फेज में ट्रायल कहाँ? तीसरे फेज का ट्रायल ब्राजील और साउथ अफ्रीका में होगा। दोनों देशों में 5,000 से अधिक लोगों पर होगा इसका ट्रायल। भारत में भी तीसरे फेज के ट्रायल के लिए हो रहा है विचार। भारत के लिए क्यों है खास? प्रोजेक्ट में पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी साझेदार। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही भारत में करेगी वैक्सीन का ट्रायल। जो वैक्सीन तैयार होगी उसका 50% हिस्सा भारत को मिलेगा। 100 करोड़ वैक्सीन बनाने का लक्ष्य। भारत को मिलेगी 50 करोड़ खुराक। कब तक मिलेगी और कीमत क्या होगी? इस साल के अंत तक पूरी तरह तैयार हो जाएगी वैक्सीन।
सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला का दावा, आम लोगों की पहुंच के हिसाब से ही तय होगी वैक्सीन की कीमत। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं सरकार मुफ्त में भी दे सकती है वैक्सीन। कोरोना वायरस की पहली देसी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सोमवार से दिल्ली एम्स में शुरू हो गया है। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि रिसर्चर्स को डेटा के पहले सेट पर पहुंचने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, यानी 2-3 महीने बाद इस फेज के रिजल्ट हमारे पास होंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक 1800 वॉलंटियर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। शुरू में कुल 1125 स्वस्थ लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। फेज वन में 18 से 55 साल के 375 वॉलंटियर्स को शामिल किया गया है। फेज टू में 12 से 65 साल के 750 लोग होंगे और फेज थ्री में एक बड़ी आबादी के साथ ये ट्रायल हो किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान कंट्रोल सिचुएशन में लोगों को कई डोज दिए जाएंगे। इसके बाद वॉलंटियर्स की निगरानी की जाएगी कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। डेटा मॉनिटरिंग बोर्ड इसका डेटा तैयार करेगा। अगर लगेगा कि ये सुरक्षित है तो हम डोज की मात्रा बढ़ाएंगे। पहले 3 mg और फिर 6 mg की डोज दी जाएगी। वैक्सीन देने के बाद ये देखा जाएगा कि उस शख्स में एंटीबॉडीज विकसित हो रहे हैं या नहीं। बता दें कि इस ट्रायल ऑपरेशन की निगरानी की जिम्मेदारी हेड ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर संजय राय को दी गई है। भारत में अब कोरोना वायरस के पांव पसारने की रफ्तार बेकाबू हो गई है। हालांकि बीते 2 दिनों के मुकाबले मंगलवार को देश में कोरोना वायरस के नए केस कम आए, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मामले भारत में ही आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 37,148 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,55,000 के पार हो गई। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस से 587 लोगों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 28,084 हो गई। मौत के भी मामलों में भारत लगातार दूसरे अमेरिका से आगे और दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत के लिए चिंता की बात ये भी है कि यहाँ पॉजिटिविटी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को देश में पॉजिटिविटी रेट 11.14% पर पहुँच गया, जो एक हफ्ते पहले 8% से भी कम था। हालांकि कोरोना से रिकवरी रेट 62.72% पर बना हुआ है। देश में अब तक 7,24,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में एक तरफ जहां लोग कोरोना वायरस की मार झेल रहे हैं, तो वहीं असम और बिहार के लोग बाढ़ के कहर से परेशान और बेहाल हैं। असम के 30 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसी कारण लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा चुका है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है, मॉनसून की बारिश से भारी बाढ़ के कारण असम और पड़ोसी देश नेपाल में लगभग 40 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं और 179 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र आवश्यक होने पर भारत सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार है। वैसे असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि असम में बाढ़ ने 70 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है। बिहार कोरोना के साथ साथ बाढ़ से भी बेहाल है। बिहार के कई जिले बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। बारिश से स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर का कोई हिस्सा नहीं बचा। यहाँ कई मोहल्ले तो टापू में तब्दील हो गए हैं। जुलाई महीने में एक दिन में इतनी बारिश यहाँ पिछले 31 सालों में नहीं हुई, जितनी सोमवार को मुजफ्फरपुर जिले में हुई। सुबह से शाम तक हुई 206 मिलीमीटर औसत वर्षा ने जिले के कोने कोने को डुबो दिया। किसानों की फसलें डूब गईं और शहरी क्षेत्र में 2000 से ज्यादा घरों में पानी घुसने से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। नगर निगम, सदर अस्पताल, स्टेशन समेत शहर के सभी प्रमुख सड़कों पर घुटने से कमर भर पानी लग गया। कोरोना वायरस के हवा से भी फैलने की पुष्टि के बाद अब CSIR ने लोगों को बंद जगहों पर भी मास्क लगाने की नसीहत दी है। CSIR के प्रमुख डॉक्टर शेखर सी मांडे ने अपने ब्लॉग में कई रिसर्च का हवाला देते हुए लिखा कि इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के जरिए भी हो सकता है, इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने के साथ ही बंद जगहों पर भी मास्क का इस्तेमाल करें। उन्होंने लिखा कि ये सच है कि संक्रमित व्यक्ति के छींकने और खांसने से निकले छोटे ड्रॉपलेट्स देर तक हवा में रहते हैं,
जिससे दूसरों को संक्रमण का खतरा रहता है। ऐसे में मास्क पहनकर रहना संक्रमण से बचने की बेहतरीन रणनीति है। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल बाबा अमरनाथ की यात्रा टाल दी गई है। ये फैसला श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से लिया गया है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष जीसी मुर्मू की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि इस बार सिर्फ छड़ी मुबारक पूजन होगा। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के तहत यात्रा रद्द की गई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा था कि 21 जुलाई से यात्रा शुरू हो सकती है। वहीं सड़क मार्ग से 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा जाने के लिए रोजाना सिर्फ 500 यात्रियों को अनुमति मिलने की बात भी कही गई थी। राजस्थान में जारी सियासी संघर्ष के बीच अब हाईकोर्ट ने पायलट ग्रुप को फौरी राहत दी है। पायलट ग्रुप की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 24 जुलाई तक विधानसभा स्पीकर को कोई कार्रवाई न करने के लिए कहा है। दरअसल सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई शुरू की गई थी। अब मंगलवार तक सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार दोपहर 12 बजे सुनवाई पूरी हुई। गाजियाबाद के विजयनगर में एक पत्रकार को गोली मारने के मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल पत्रकार विक्रम जोशी ने कुछ दिन पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी भतीजी को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। हमलावरों ने जोशी पर कई गोलियां चलाई जिसमें से एक उनके सिर में लगी जिससे उन्हें बेहद गंभीर चोट आई है और इलाज जारी है। घटना सोमवार रात 10:30 बजे की है जब विक्रम जोशी अपनी बहन के घर से मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे। इस दौरान उनकी दो बेटियां भी उनके साथ थी। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी जो अब सामने आई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन से राजनीतिक गलियारों में भी दुख की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लालजी टंडन के निधन पर ट्वीट किया, देश ने एक ऐसे दिग्गज नेता को खो दिया है जो लखनवी नफासत और प्रखर बुद्धिमत्ता के मूर्तिमान उदाहरण थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके टंडन के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मोदी ने लिखा, श्री लालजी टंडन को समाज की सेवा के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी तरफ लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लालजी टंडन को श्रद्धांजलि अर्पित की।